यकीनन ऐसी बातें पढ़कर इंसान अपने ओश हवास को खो बैठता है, जिस्म के बाल कड़े हो जाते हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क़यामत के दिन वो शख्स जो मर्द के साथ बदकारी करने वाला होता है, लिवातत करने वाला होता है, उस शख्स को क़यामत के दिन ऐसे हाल में कड़ा कर दिया जाएगा कि ये शख्स दोनों एक दूसरे के साथ चिपके हुए होंगे। कितना शर्मिंदगी का आलम होगा। तमाम अंबिया कड़े होंगे, सहाबा, मशाइख, सूफिया, असातिज़ा, वालिदैन, रिश्तेदार, अकारिब सब कड़े होंगे। ये दो बदबख्त फाइल और मफूल ये दोनों एक दूसरे के साथ चिपके हुए होंगे। बल्कि यहाँ तक रिवायत में आता है कि इनके उज़्वे ख़ास एक दूसरे के साथ चिपटा हुआ होगा। अल्लाह ताला इस हाल में इनको कड़ा फरमाएंगे। बल्कि इससे भी जो ज़्यादा ख़तरनाक बात है वो ये है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिसको हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला ने नकल फरमाया है कि जो कोई लूत करने वाला अमल करता है, जो लिबादत करता है, उस शख्स को क़यामत के दिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम के उम्मत से निकाल दिया जाएगा। उसको कौम लूत वाले उसमें दाखिल कर दिया जाएगा और फिर उसको जानम बेच दिया जाएगा। बाज़ रिवायतों में ये आता है कि इस लिबादत करने वाले शख्स का शक्ल क़यामत के दिन खंजीर और कुत्ते का शक्ल होगा। खंजीर और कुत्ते के शक्ल के साथ अल्लाह ताला इसको जहन्नम भेज देंगे और दुनिया में ये जो भी अमल करेंगे। रिवायतों में आता है कि अगर कोई औरत किसी औरत के साथ या कोई मुजक्कर मर्द किसी मर्द के साथ बदकारी करता है, बदफेली करता है, इसका कोई भी अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ काबिल कबूल नहीं होता। न नफल अमल, न मुस्तहब अमल, न फ़र्ज़ अमल, कोई न सुनत, कोई भी अमल अल्लाह के यहाँ, अल्लाह के नज़दीक इनका कोई भी अमल कबूल नहीं होता। इसलिए अब्दुल्ला इब्ने यूनुस इब्ने अब्दुल्ला रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि एक मौके पर हम हज पर गए थे, अरफात के रात के बाद जब हम आए तो हमने ख्वाब देखा, मैंने ख्वाब देखा, एक शख्स ने आवाज़ दिया, ए हज के गुरु, ए हजाज के गुरु, सुन लो, तुम्हारे इमाम साहब ने कल रात को एक ख्वाब देखा था। उस ख्वाब में क्या देखा था? उस ख्वाब में ये देखा था कि इस साल सबका हज कबूल हुआ है सिवाय एक शख्स के। तो हम मुतवज्जे हो गए कि वो कौन शख्स है। ऐलान करने वाले ने ऐलान किया कि वो लिवाती शख्स जो मर्द के साथ बदकारी करता है, अल्लाह ने उसका हज कबूल नहीं किया। इसलिए मेरे दोस्तों, खुदा हम आद जोड़ के कहते हैं, इस बदफेली से, इस फेले बद से, इस बदकारी से खुदारा मोबाइल का ज़माना है। नौजवान आकर बताते हैं, रो कर बताते हैं, हजरत कोई रास्ता बता दे, मेरी जान छुड़ा दीजिए, मुझे कोई रास्ता बता दीजिए। खुदारा अपनी नौजवान नस्ल को बचाएं, अपने अवलादों के ऊपर, अपनी नस्लों के ऊपर रहम फरमा दीजिए।